कैसे हैं आप सब लोग। इंस्टेंटली कॉल और मैसेज को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। मैंने कॉल मैनिफेस्टेशन के ऊपर पहले भी वीडियोस किए हुए आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। ढेरों सक्सेस स्टोरीज आई हैं, आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आए हैं जहां पर आप लोगों ने खुद बताया कि कुछ ही घंटों में कॉल आ गया, कुछ दिन में कॉल आ गया, एक दिन में, दो दिन में, एक हफ्ते में किसी का कॉल आ गया जिसका भी आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैसेज में भी इसी टाइप का हुआ है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं और बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं कि उनका मैसेज आपको रिसीव हो गया। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूं वो है इंस्टेंट कॉल और मैसेज मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है, तो आपको ये समझना है सबसे पहले तो कि उस इंसान से आपकी कभी ना कभी फोन पर या मैसेज पर बात हुई हो। आप दोनों भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक एक चीज को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, उस इंसान से कभी ना कभी आपकी कॉल या मैसेज पर बात हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड की पहली फाइट को बंद कर देगा कि मेरे पास उसका नंबर है, उसके पास नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपके माइंड में यह है कि उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, तो ये नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने हैं। अगर बात हुई है, कॉन्शियस माइंड की तरफ से पहले से ही एक सिग्नल क्लियर है कि बात हुई है, बस आपको इतना ही सोचना है कि बात हुई है और हुई होनी चाहिए रियली में। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि किस नोट पे हमारी बात खत्म हुई थी। अगर मान लीजिए वो नेगेटिव नोट था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपको वो नोट याद नहीं करना है। जो भी पॉजिटिव बात हुई थी, अब वो चाहे आपकी मिल करके हुई थी या कॉल पर हुई थी, कॉल वाली बात में अगर सिर्फ लड़ाई हुई थी तो उसको मत लीजिएगा, मिल करके अगर अच्छी बात हुई थी तो अच्छी बात को ही आपको लेना है। अब वो अच्छी बात, जैसे मान लीजिए एक अच्छी बात हुई थी आपसे मिल करके, अच्छा लगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो तीन बातें आप अभी अपनी इस वक्त जोड़ सकते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज ही मैनिफेस्ट करें। वाओ, मैं तो बहुत हैप्पी हो गया यार तुमसे बात करके, मैं तो बहुत हैप्पी हो गई यार तुमसे बात करके, इस टाइप की जो बात होती है ना वो आप लेंगे तो जल्दी से फीलिंग आएगी, और जितनी जल्दी से फीलिंग आएगी उतनी जल्दी से आपका मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये करना कैसे, आप आराम से बैठें, शांत, एकदम शांत, जितना ज्यादा कर सके दिमाग को शांत करें। इसके पहले अगर आप दो तीन मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड जल्दी शांत हो जाता है उससे, है ना, है ना, गुड वाला आइडिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो से तीन मिनट बैठ करके डीप ब्रीदिंग करनी है, और इसके बाद में फील करना है कि उस इंसान का मैसेज आया या कॉल आया, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, रिंग हो रही है आपके फोन में, अगर आपका फोन वाइब्रेशन पर है तो वाइब्रेट हो रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं, सब कुछ अंदर ही दिखेगा आपको। और मान लीजिए फोन साइलेंट पे है ना, वाइब्रेट होता है ना, रिंग होती है, लाइट तो जलती है, जब कोई कॉल आता है तो लाइट चली। ठीक है, तो ये आपको अंदर ही देखना है, फील करना है कि सामने वाले का कॉल आया। अब इसके बाद में पूरी बात को आपको विजुअलाइज कर लेना है, जो मैंने बताई अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, किस नोट पे आप करना चाहते हैं बात, वो वाली बात आपको विजुअलाइज करनी है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो बात बता रही हूं ना, ये इस टेक्निक के बाद का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। आप जितना कम रेजिस्ट करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, हाय आना चाहिए, अभी आएगा, कैसे आएगा, उसका तो बहुत जल्दी आ गया था, मेरा क्यों नहीं आया, कब आएगा, पता नहीं कब आएगा, उसने तो इतने महीने से मुझे कॉल ही नहीं किया, उतने महीने, ये सब नहीं करना है। आप जितना ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, ये इंस्टेंट कॉल या मैसेज मैनिफेस्टेशन कंप्लीट तो होगा बट टाइम लग जाएगा, आपको टाइम लगेगा फिर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने में। आपने एक बार मैनिफेस्ट किया, आपने विजुअलाइज किया, इसको छोड़ देना है। कोशिश करें उनके कॉल ना आने पर, मैसेज ना आने पर, ये चीजों के ऊपर आप किसी से डिस्कस भी ना करें, खुद से भी डिस्कस नहीं करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस से दूर भागेंगे, यानी कि आप जितना ज्यादा अबंडेंस की तरफ भागेंगे, हैप्पीनेस की तरफ भागेंगे, अपनी तरफ भागेंगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जब वो कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट करते हैं वो फोन ही लेके हाथ में बैठ जाते हैं, फोन ये लेकर के हाथ में बैठ जाता है, आया ही नहीं, मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, आया ही नहीं, मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, हे मैसेज ही आया था, हे मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, पता नहीं उसके पास मेरा नंबर है कि नहीं, पता नहीं डिलीट तो नहीं कर दिया, हे मैं तो ब्लॉक हूं, वो मुझे कैसे दिखेगा, कैसे करेगा, उसने तो अभी तक अनब्लॉक नहीं किया। ये सब कुछ आपने किया तो आप खुद ब खुद ही रेजिस्टेंस खुद ब खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका जो रेजिस्टेंस है वो उस चीज को दूर कर देता है आपसे, आपका मैनिफेस्टेशन फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है और फिर टाइम लग जाता है। तो इन चीजों को नहीं करना है। आपने एक बार करा, चिल मारी, बिल्कुल चिल, अब ये कर कब कब सकते हैं, आप कोशिश करें इसे कम से कम करें, क्योंकि इंस्टेंट वाला है। आप जितना ज्यादा फील करेंगे और बार बार करेंगे तो आप खुद ही डेस्पेरेशन शो कर रहे हैं, आप खुद ही ये शो कर रहे हैं कि आपने आज किया, कॉल नहीं आया, तो फिर आप दो घंटे के बाद में लग गए, फिर आपने दो घंटे बाद किया,
फिर आप कल लग गए, तो इससे आप खुद ब खुद ही उस टाइम को आने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डेस्परेट है ना कहीं कुछ टाइम का भी इंतजार नहीं किया जा रहा है। तो जब आप इंतजार नहीं किया जा रहा है ना, तो ये एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है जो आप खुद से ही डाल रहे हैं। कर लिया, कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का वेट करें, अगर तब भी नहीं आ रहा तो चेक करें कि भैया मेरे कैसे थॉट्स थे बीच में, कितना ज्यादा उसी टॉपिक पर मैंने सोचा है, कितना इंतजार रहा है, भले फोन लेकर के हाथ में रहा हो, फोन लेके हाथ में रहा हो या नहा रहा हो, मतलब सिर्फ ऐसे ही चलते फिरते, कपड़े सुखाते, जाते आते, ट्रेन में चढ़ते, बस में चढ़ते, कार में जाते, बस चल रहा है, माइंड में चल रहा है, तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। आप उस चीज को छोड़ें। आ गया यार कॉल, ये आप किसी का भी कॉल और मैसेज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी कभी भी कॉल या मैसेज पर बात हुई हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस चिल होना है, रिलैक्स होना है, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप जितना ज्यादा हाई एनर्जी पर जा करके उस चीज को छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट भी आ जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है आपने तो सारी इच्छाएं ही त्याग दी, ऐसा नहीं है यार, इंसान है हम, इंसान है तो इच्छाओं का पुतला है ऑलरेडी, कोई और इच्छा कर लीजिए उसके बजाय, ताकि आपका लेट गो हो जाए, आप उस चीज को छोड़ पाए और जल्दी से जल्दी आप उसे मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आप भी कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इंस्टेंटली करना चाहते हैं, तो इस वाली टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करिए, रेजिस्टेंस बीच में बिल्कुल भी मत लाइए, फिर देखिए कितनी जल्दी आपके लिए काम कर जाएगा। अपना मन रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।